2018 के इलेक्शन से पहले आपने कहा था सादिया इस जगह आप देखिएगा वज़ीर आला पीएसपी का होगा, तो फिर क्या आप लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं या वो लोग पीएसपी में आ रहे हैं? क्या मैं सोचा तो जब इलेक्शन लड़ने जाऊंगा यही कहूंगा, इसलिए कि मेरा जो टारगेट है हाँ, तो, बड़े देखेंगे तो बिल्कुल, मैं तो हारने के लिए कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैं तो अभी दोबारा इलेक्शन लड़ने जाऊंगा यही कहूंगा आपको, तो मेरा टारगेट ये मेरा टारगेट देखिए हमारे साथ सबको पता है के जो है वो किस तरह से ये इलेक्शंस हुए हैं, किस तरह से पीटीआई को यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है, ये चल नहीं पाएगी, लोग अपने जो एमएनए एमपीएस बनाएगा अपने इलाकों में नहीं जा पा रहे, ये ज़्यादा दिनों तक ये कहानी चल नहीं पाएगी। और ये अच्छा ये भी तजुर्बा हो गया, हमें भी बहुत सारे तजुर्बात हो गए, शायद अल्लाह ताला हमें इस वक्त कामयाबी नहीं देना चाहता था। इतनी ढेर सारी गुफ्तगू हो रही है और चाय के बगैर हो रही है, ये सबसे बुरा लग रहा है मुझे, क्योंकि जब मैं यहाँ पहुँच ही गई हूँ और टेबल वहाँ सज चुकी है और चाय वहाँ लगी हुई है, तो ये कितनी ज़्यादती सी है ना। इतने जोश जोशीले वाले मुस्तफ़ा कमाल और इतने होश का काम कैसे संभाल पाते हैं ये सियासत? बल जोश तो के बगैर तो कोई भी काम मेरे हिसाब से उसमें मज़ा नहीं है। हाँ, और चूँकि मुनाफिक आदमी नहीं हूँ, मैं मुनाफ़त नहीं कर सकता, इसलिए हर चीज़ को जिसे सही समझता हूँ उसे करता हूँ, एक्टिंग नहीं आती मुझे। आपने घर से मुनाफ़त की भी है वैसे, वो जो टाइम गुजार गया आजकल सीख रहा हूँ, उसके बाद कहा कि अब मुनाफ़त नहीं करनी? आजकल सीख नहीं, मैंने मुनाफ़त तो कभी भी नहीं की। किस ज़माने की बात कर रही हैं आप? जब आप एमकेएम में थे। नहीं, उस वक्त भी मैं मुनाफ़त नहीं करता था, जो लोग मुझे जानते हैं बिल्कुल, मैं अगर मुनाफ़त कर रहा होता तो मैं वहाँ साथ रहता, मैं तो उस वक्त उसको सही समझता था, पैशन के साथ। हाँ हाँ, व्हाई नॉट, मैं बिल्कुल। अच्छा, तो ये मैं कह चुका हूँ, कहते हैं कि जो ब्रेन वॉश हो जाता है वो वाकई व्हाई नॉट, यस ऑफ कोर्स, नहीं, देखिए मुस्तफा कमाल जैसा आदमी तो ये काम फिर जो है वो एक्टिंग करके कर ही नहीं सकता। आप देखें जब मैंने छोड़ी है ये बात, दैट वाज द टाइम ना, कि नहीं भाई एहसास हुआ कि नहीं ये ठीक नहीं है सारा कुछ, और मैं अपनी पोजीशंस पे था, मैं सेनेटर था भाई, पाकिस्तान की 25 करोड़ की आबादी में 104 बंदे सेनेटर होते हैं, लोग 50 करोड़ पे खर्च करते हैं, मैं तो सेनेटर बना हुआ था, मैं ही तो अल्ताफ हुसैन साहब का बेनिफिशियरी था, जो चीज़ मिलती थी पहले मुझे मिलती थी, बाद में दूसरों को बढ़ती थी। हाँ, मुझे क्या प्रॉब्लम थी, मुझे तो पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं, कन्विक्शन के साथ उनको कौम का मसीहा समझता था कि भाई ये जो है वो हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, मैंने तमाम उनकी तमाम जो इंसान की बशरी खराबियों के बावजूद भी हमने एक्सेप्ट कर रखा था, लेकिन जब पर्दे उठे उन्होंने हमें बताया कि वो 22 सालों से रॉ से पैसे ले रहे हैं, हमने यहाँ पर किलिंग देखी, उनका गुस्सा कम होकर नहीं दे रहा, सुबह भी नशे में, दोपहर में भी नशे में, रात में भी नशे में धो, कभी उसी सूरत में फैसले कर रहे हैं, गालियाँ बक रहे हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, उठ रहे हैं। मैं ऑलमोस्ट एक साल तक छोड़ने से 8-9 महीने तक तो मैं टीवी पे मैंने जाना छोड़ दिया, लेकिन मुझसे झूठ नहीं बोला जाता, मैं 2 से 3 दफ़ा टीवी पे गया हूँ अल्ताफ हुसैन साहब के डायरेक्ट मुझे किसी इश्यूज़ पर कहने के बावजूद, मैंने पार्टी में तो सब लोगों को मना कर दिया था कि भाई नोबडी शुड टॉक टू मी। मुझे जिस पेन से आप गुजरे होंगे कि मुझसे गलत हुआ, मैं गलत का हिस्सा रहा, और क्यों हुआ, ये क्यों हुआ भी तो बड़ा आपको तकलीफ देता है ना, मुझे, कि काश मुझे पहले रियलाइज हो जाता। मैं इसको इस तरह देखता था कि शायद मैंने तो अपने हिस्से से कोई कुछ गलत नहीं किया, बल्कि इस बुराई में रहते हुए भी अच्छा ही कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है, लेकिन मुझे ये अफसोस होता था कि 25,000 लड़के शहीद हो गए, घर औरतें जवान औरतें लड़कियां बेवाएं हो गईं, ये बच्चे यतीम हो गए, मेरी कौम पर एक जो है वो तोहमत लग गया, मेरी कौम को जो है वो, मैं पढ़े लिखे लोग थे हम 30 सालों में जो हमारी रैंकिंग जहालत पे चली गई सारी, हम पर ज़रा आज पाकिस्तान में मुहाजिर नौजवानों पे दुनिया का कोई भी बुरा इससे बुरा इल्ज़ाम लगाओ झूठा, और ये साथ लगा दो कि ये एमकेएम का है, दुनिया यकीन करती है हाँ कि एमकेएम का नाम लगा दो, आप कोई भी झूठा इल्ज़ाम लगाओ, तो मुझे इन सारी चीज़ों का हमेशा दुख रहेगा, और उस वक्त भी था और ज़्यादा था, तो मैं एक बड़ी डिप्रेशन में चला गया था कि यार इतना बड़ा धोखा हो गया हमारे साथ, और कैसे लोगों को बताएं, कैसे लोगों को समझाएं। तो हमने यही, मैं तो कमज़ोर आदमी था, मैं आपसे बिल्कुल शेयर करता हूँ, मैं इतना बहादुर आदमी नहीं था, मैं बहुत कमज़ोर आदमी हूँ, अकेला इंसान था उस वक्त, तो बोलने की सज़ा ही मौत थी, तो मैंने ये इतना रिस्क ज़रूर लिया, अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी कि मैं हाँ ख़ुद को इस तमाम चीज़ों से ख़ुद को अलग कर लिया, दूर कर लिया, ताकि मैं इस गुनाह में शामिल ना हूँ। क्या ये यूजुअली इस तरह क्या चाय शाय चलती है, कोई चाय फिटनेस का ख्याल रखते हैं? हाँ नहीं, मैं 1 घंटे वॉक कर लेता हूँ, ट्रेडमिल यूज़ करता हूँ, मैं ट्रेडमिल पे जो है वो कोशिश करता हूँ मैं 50 मिनट
मिनट एक घंटा जो है वो उसमें फोन को दूर रखते हैं ना। हाँ नहीं फोन तो खैर करीब ही रहता है, मैं फोन कर... कुछ नहीं है। हाँ लेकिन ये कि मैं तो अगर कॉल आ जाती है कोई इंपॉर्टेंट जिसको उठाना ही पड़ जाए तो फिर मैं वॉक करते हुए उठा लेता हूँ उस कॉल को, अदरवाइज जो सामने मैसेजेस आ रहे होते हैं कोई इंपॉर्टेंट कॉल होती है तो फिर उसको उठा लेते हैं। अच्छा लेकिन भाई खाने में किस तरह के, अब तो माशाल्लाह फैमिली आ गई तो जरा घर के खाने मिल जाते हैं? नहीं पहले भी घर के खाने मिलते थे फैमिली से, दोस्तों को सलामत रखे, पहले भी फैमिली थी। अनीस भाई को अल्लाह ताला अच्छा रखे, अनीस भाई अपनी फैमिली के साथ मेरे साथ थे, मेरे साथ रहते थे तो मैं उनके साथ, बल्कि मैं उनके साथ रहता था, वो मेरे साथ ही मैं उनके साथ रहता था। और ये 2.5 साल तो जो है वो भाभी के हाथों के बने हुए खाने को हमने खाया है और बिल्कुल घर के खाने मिलते थे मुझे, तो एक दिन की भी प्रॉब्लम नहीं हुई।